इवन अगर हम इस्लामाबाद की बैटिंग को देखते हैं तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत वन साइडेड मैच नहीं हारी है। कॉलिन मनरो और आज़म खान की बात करें, उन्होंने फास्टेस्ट 50 मार दी, बहुत दिन से नहीं चल रहे थे लेकिन आज जब वो चले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक लम्हा ऐसा आया था कि हम कह रहे थे पिशावर जलमी आज भी हार गया, क्योंकि मेकअप में हमारे साथ हम बैठे हुए थे तो किसी ने कहा अब तो जीत गया, लेकिन उसके बाद फिर विकेटें जो इतनी तेजी से गिरी हैं, क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल, आज जलमी ने जब ये टोटल पोस्ट किया तो कहीं भी माइंड में ऐसा नहीं आया कि ये टारगेट चेज नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें अगर आप आगा सलमान की बात करें तो उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 250s भी की, वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड देखा है और उन्होंने देखा है कि मैंने किस तरह से इसको कॉम्पीट करना है। आज वो बैटिंग में उस तरह से नहीं कर सके तो, लेकिन आज़म खान ने वहाँ पे आके लीड ली। आज़म खान जब अंदर आए थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया, अपना पोटेंशियल शो किया। और हमें पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत है जो मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेले और हमारे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करे। लेकिन आज एक अच्छी बात ये और थी कि सलमान आगा ने जो बॉलिंग की बहुत ही एक्सेप्शनल थी, तो ये चीज़ें अच्छी हैं टीम के हिसाब से। आज़म खान जो है वो भाई, मैं अक्सर नसीम भाई कहते हैं ना कि फ़खर जमान चलेंगे, मैं भी इस बात में रहता हूँ आज़म खान कब चलेंगे। उनके शॉट्स देखने मज़ा आता है, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं माशाल्लाह। तो लेकिन नवीन उल हक को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो 18th ओवर ने उन्होंने किया वो मैच चेंजिंग ओवर था। सिर्फ 8 रन आए उसमें, ना आज़म खान को उन्होंने खेलने दिया ना कोलिन मुंडो को खेलने दिया। आरिफ याकूब विकेट ले गए, लेकिन वो जो बेस सेट की थी वो नवीन उल हक के उस ओवर ने की थी। बिल्कुल नसीम भाई, इस्लामाबाद अगर यूनाइटेड की हम बॉलिंग की बात करें तो उस पर आप क्या कहते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग है नसीम शाह, आज इन्होंने 7 बॉलर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए 20 ओवर के मैच में। देखिए शादाब क्लियर नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्तान का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शादाब खुद अपने आप को कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कभी 5 नंबर पे आ रहे हैं, कभी 4 नंबर पे आ रहे हैं, कभी आज 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आ गए। बॉलिंग तो बात की बात, बॉल देख के तो नहीं आते वो, कभी बॉल ठंडा चल रहा है चलो ठंड ठंड में खेल कर। लोग ये बात कर रहे हैं कि जब माहौल सेटल्ड होता है वो वहां पे बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। आज भी अगर आप देखें तो अच्छा एक ओपनिंग पे स्टैंड कहीं ना कहीं अच्छा बर्क रफ्तार मिल गया था, वो बैटिंग के लिए आ गए। हालांकि आगा सलमान थे, आज़म खान थे, हैदर अली का नाम एज ए ओपनर लिखा हुआ था।